कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हिम्मत पटेल इन दिनों अलवर दौरे पर हैं। शोक्वाकू शहर के मोती डूंगरी स्थित कैबिनेट मंत्री टीकराम जूली के कार्यालय पर कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जूली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में हिम्मत सिंह ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं देश भर में कहीं नहीं है, ऐसे में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ फिर से रिपीट होगी। इसके अलावा पटेल ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि पिछले 5 सालों से भाजपा कहीं नजर नहीं आई, वहीं चुनाव के दौरान उन्हें यात्रा याद आ रही है। अलवर लोकसभा में जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कल हमारी मीटिंग हुई, 8 विधानसभा से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, पीसीसी के ऑफिस बेरर, पीसीसी प्रभारी, पीसीसी डेलीगेट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे हमारे ऑफिस बेरर, सारे विधायक कैंडिडेट, बड़ी तादाद में कांग्रेस परिवार के जो हमारे जिले के सीनियर लीडर सब थे, सभी के साथ कल चर्चा विचारना हुई है कि हम हर विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर संगठन ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ हम बूथ लेवल तक कांग्रेस की जो विचारधारा है, यहाँ राजस्थान सरकार ने जो जनहित में, जन कल्याण में जो योजनाएं बनाई हैं और योजना का जो लाभ आम जनता को जो मिला है, मैं जो भी 8 की 8 सीटें सब पर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं, यही हमारा प्रयास रहेगा और संगठन को पूरी ताकत दी जाएगी, संगठन को पूरा मजबूत किया जाएगा और सभी विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से जनसंपर्क अभियान करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इलेक्शन आता है तो हर पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम करती हैं, 5 साल तक तो कहीं बीजेपी दिखी नहीं, अब इलेक्शन में क्या परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, तो लोगों ने तय कर लिया, इस बार राजस्थान में इतिहास बताएगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी कांग्रेस के सारे जो विधायक हैं और सभी सरकार में जो इस राज्य में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं, आज कहां पर 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, कहां चिरंजीवी योजना मिल रही है, कहां पर ये जो लाभ जो दिए जा रहे हैं सारे, ये लाभ जो है, ये शिक्षा के आप देख लो, आप आरोग्य के देख लो, आज जूनी पेंशन योजना देख लो, तो सारे जो लोगों के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए जो भी कार्यक्रम हुए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रथम नंबर की राजस्थान सरकार है जिसने जनता के हित में, एक एक व्यक्ति के हित में उन्होंने न्याय दिया है, काम किया है और उनसे उनको लाभ भी जनता को मिला है। तो अब वो परिवर्तन तो इस बार दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और इतिहास